दोस्तों ये है सरकार द्वारा चाल खाल योजना चलाई गई है बहुत अच्छे से पानी रोकने के लिए। ये चाल खाल योजना ये देखो गाइस, अभी हमें थोड़ा बहुत बर्फ के दर्शन हो गए। बर्फ की यहाँ पे भी सिल्ली दो पर्वतों के बीच में स्थित यहाँ बर्फ की सिल्ली, और ये हमारे तीनों बाबा ये पंडित जी आश्रय जी ये समझा रहे कि चाल खाल योजना क्या थी, क्या क्या बनाया गया उसमें, सरकार द्वारा क्या क्या निर्माण कराया। काफी जो सरकार द्वारा इन स्थानों के लिए उत्तराखंड देव भूमि के लिए अलग से पहाड़ी राज्यों के लिए ये योजनाएं चलाई गई थी चाल खाल योजना, जो कि हमें यहाँ देखने को मिली। ये है जो यहाँ बकरी वाले चरवाए गाय जी पलसी लोग रहते हैं यहाँ पे, जो बकरियाँ चुंगाने के लिए आते हैं, और ये उनके द्वारा ये छोटा सा यहाँ पे पानी भी होता है, वो लोग यहाँ पे बकरियाँ चुंगा के यहाँ पे अपना चाय चूई की व्यवस्था करते हैं। यहाँ इनका बछेरा भी होता है, जो यहाँ महीने भर रहते हैं, ये उनके द्वारा बनाया गया ऊपर तिरपाल वगैरह डाल के, ये तो थोड़ा पुराना हो गया। ये बर्फ के कारण हो गया, क्योंकि यहाँ जो नदियाँ रहती है, जो हिमालय की नदियाँ हैं, वो सदा नहीं नदियाँ होती है, जिनमें वर्षों वाल जल पाया जाता है, क्योंकि ऊपर ग्लेशियर होने के कारण। ये नवीन नेगीदा है जो थक गए हैं काफी इस चढ़ाई से, क्योंकि अब चल नहीं पा रहे हैं, उतना ही पानी काफी पसीना निकल चुका है इन्हें। बंदे की चाल उन्हें लगा नहीं था नीचे आते हुए कि इतना दूर होगा, पर लेकिन साथ साथ चल रहे तो उन्हें भी हम पूरी कंपनी दे रहे हैं, ताकि वो आगे का सफर थके ना रुके ना। ये उसका किस चीज का है सुमन, ये रिंगाल का बंडल बना रखा है यहाँ। ये जंगली जानवर आया, ये मुर्गी है, और ये पलसियों ने यहाँ पे भेड़ की ऊन काटी होगी, ये हमें देखने को मिल रहा है। ये भेड़ की ऊन यहाँ पे देखते, जब ये चरवाहे आएंगे तो यहाँ पे अपना टेंट लगाएंगे इन लकड़ियों के द्वारा। अभी इनका छोड़ रखी है यहाँ रिंगाल की लकड़ियाँ, और ये ऊन से ये ऊन ऊपर छत में डालेंगे, ताकि ऊपर काफी अंदर गर्म रहे। बिस्तर के नीचे ये ऊन डालेंगे, और फिर उसमें अपना बकरिया वगैरह चूती रहेगी, और अपने आप को लंबा होकर सोते रहेंगे। देखो गाइस, हम सोच रहे थे गाइस कि हमें भी उनके साथ सोने का मौका मिले, लेकिन मिल नहीं रहे, वो है कहाँ पे होंगे। अगर वो मिल जाते तो हम शायद उनको भी उनकी बातें भी आपको सुनाते, कैसे कैसे लोग यहाँ पे रहते हैं, अपने बकरियों को चुंगाते हैं। ये देखो कितने अच्छे अच्छे बुरांस के फूल है यहाँ पे। तो ये हम नमकीन बिस्किट कुछ साथ में आए थे, बिस्किट निकालेंगे हम, नमकीन निकालेंगे, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे खाएंगे, बाकी ऊपर बनेगा। ये हमारे आचार्य जी है जो वहाँ ब्रह्म कमल की खोज में जा रहे हैं। जय बद्री विशाल, आप सभी को सादर प्रणाम। अभी हम आज हमारे दूसरे ट्रैक में कल्पेश्वर से आए, कल रात को हम यहाँ कल्पूर नामक स्थान पर रुके। अभी हमारा दूसरा ट्रैक है आज वंशी नारायण, एक अपने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है उत्तराखंड के देवी देवताओं में। वंशी और नारायण इसका नाम है, वंशी वाले हमारे श्री कृष्ण भगवान राधा रमणी जी के साथ विचरण करते हैं, और नारायण साक्षात लक्ष्मीनारायण भगवान बद्री विशाल यहाँ पे वंशी नारायण में यहाँ पे विराजमान हैं। और हमारा ये दूसरा आज वंशी नारायण के लिए है, हम अभी करीब करीब 7-8 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। ये देखिए प्राकृतिक नदियाँ यहाँ से बह रही हैं, सामने बुरास का ब्रिज है, और इधर बांस इसके अनेक प्रकार के वन पर यहाँ पे। ये हमारा सौभाग्य है आपको कभी मौका मिली, जरूर आइएगा जीवन में एक बार, जो रस ना के मन में एक मनुष्य जीवन में।
अभी वंशी नारायण मंदिर थोड़ा ही दूर है, अभी हमने लकड़ी ले ली यहाँ से क्योंकि ऊपर गाइस चट्टाने ऊपर लकड़ियाँ कम मिलेगी। ये है ऊपर कोई पेड़ नहीं है तो थक भी लग चुकी है काफ़ी है, और भूख भी लग चुकी है। हम सोच रहे भगवान जी के दर्शन हो जाए उसके बाद हम कुछ अपने लिए बना लें। लकड़ी हमने ले ली, ये देखो यहाँ पे मोनान पक्षी भी हमें देखने को मिला, आने का मजा ही कुछ और है। पूरे 12 महीने ठंडा ही रहता है ये हिमालय क्षेत्र, या पूरे मोनार पक्षी हो गया भाई जाते हैं। ओके गाइस मुझे भी रेस्ट कर लेता हूँ, आगे का मार्ग मैं आपको कंटिन्यू दिखाते रहूँगा, आप टेंशन मत लो, पूरा रास्ता दिखा के तुम कभी भी आ सकते हो। मैं दोस्तों आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, परेशानी दिक्कत होती है तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम एक सस्ता बना रहे हैं भाई, सॉरी बहन भाई को राखी बांधती है। तो ये चप्पल गाइस हमें यहीं पे उतारनी है, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम चप्पल उतारते हैं। अपन जी हमारे यहाँ पे पूजा करेंगे, हमारी मनोकामना के लिए दो चार मंत्र बोलेंगे पंडित जी। Yeah.
पूरा पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ ये मंदिर, देख भव्य मंदिर है ये पीछे ये जुआ है बंसी नारायण मंदिर का, ये सबसे बड़ा जुआ है जो बैलों के पत्थर का जुआ, जो बैलों के ऊपर हल चलाने के लिए काम आता है, लेकिन ये पत्थर का है। ये बस ओम नमो नारायण, जय भगवान सिद्धि विनायक, जय भगवान, जय वंशी नारायण, जय। ये हमारे भगवान जी है। काफी सुकून की प्राप्ति हो रही है गाइस, ऐसा लग रहा है कि हम साक्षात स्वर्ग की यात्रा पे निकले होंगे। जो पांडव के थे सारे इसी रास्ते से स्वर्ग की यात्रा पे गए थे, पूरा उत्तराखंड चमोली जिले से घूमते हुए हैं। चमोली गई है बर्फ की सीढ़ी, देखो किस तरह से कैसे डिजाइन में पहाड़ के पीछे है, ये देख सकते गाइस। अब गाइस ये मैं आपको ऊपर से लोकेशन दिखाने की कोशिश करूंगा कि ताकि आप लोगों को दिखे। तो मैं जा रहा हूँ पर्वत के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर जा रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे पैर भी बर्फ में ठंडे हो जाएंगे बिल्कुल, यहाँ चलना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए कोशिश करता हूँ यहाँ चल पाऊँ, क्योंकि यहाँ बहुत गहरी बर्फ है, तो इसमें जैसे पैर डाल रहे वैसे धस रहा पैर, तो मुझे जल्दी चलना होगा जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडा है मम्मा। ओहो, तो ये देख सकते हैं हमारे साथ ही लोग ये रहे, ये सुमंत भाई ये प्रसाद बांटते हुए। अब हम यहाँ पे धूप वगैरह देंगे, दीप वगैरह देंगे, अभी रुकना है। तो ये रहा, ये देख सकते हो आप, ये जो सामने कुटिया देख रखी है जो बाबा लोग रहते हैं, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ बाबा जी के लिए यहाँ खाने के लिए लाते हैं, खाना उनका जीवन यापन के लिए, और बाबा जी यही है वंशी नारायण की सेवा में विद्यमान है। ये वहाँ पे भंडारे के लिए पानी वहाँ पे स्पेशल बनाया गया है, नीचे जो दिखता हुआ तो ये नदी है। ये अभी हम ऊपर ग्लेशियरों में भी जाएंगे गाइस, क्योंकि अभी ये ऊपर पहाड़ी भी है, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, इन चट्टानों में शिलाजीत पाया जाता है, देख सकते हैं गाइस। ये देख लो कितना अच्छा लोकेशन है, इतना अच्छा नजारा शायद इन्हीं पहाड़ों में देखने को मिलेगा, बाकी तो पर फिलहाल देख सकते हो आप कि यहाँ प्रकृति में नेचुरल चीजें हैं, प्रकृति में छेड़छाड़ अभी तक कुछ नहीं हो पाया, वही रास्ते अपने एक आदमी रास्ता हुआ इधर उधर जा सके, इतना ही रास्ते का इस्तेमाल कर रखा है यहाँ, कोई प्रकृति में छेड़छाड़ नहीं है यहाँ बिल्कुल, ज़्यादा हाइट भी होने के कारण। तो देख सकते हैं गाइस जी हमारे पंडित जी है, ये पंडित जी हमारे पूजा करेंगे, अब थोड़ी देर हम पूजा करते हैं, तो उसके बाद यहाँ कहा गया था कि पहले यहाँ से पूर्ण रूप से बद्रीनाथ मंदिर दिखाई देता था, पर लेकिन किंतु वहाँ से कुछ स्थानीय लोगों का मानना था विभीषण आया और नीचे से ये कुत्ता भौंका, पर विभीषण जी ने यहीं पे पर्वत छोड़ दिया, अपने आप लंका की तरफ भागने लग गए, पर राम जी ने उन्हें वहाँ का राजा घोषित कर दिया।